हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैफ क्रिएशन। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूं इंस्टाग्राम रील्स में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही वीडियो का एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले आप उसका प्रीव्यू देख लीजिएगा कि वीडियो कैसी हमने एडिट की है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि बैकग्राउंड में स्काई में काफी ज्यादा बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं एंड उसमें बिजली भी काफी ज्यादा कड़क रही है। एंड इस टाइप की वीडियो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है इंस्टाग्राम रील्स में, तो मैंने सोचा इसका भी आपको एक एडिटिंग ट्यूटोरियल दिया जाए। तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप भी इस टाइप की वीडियो को एडिट कर सकते हो, वो भी अपने स्मार्टफोन से VN एप्लीकेशन का यूज करके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से फॉलो करो, वहां पर भी मैं काफी अच्छी अच्छी पोस्ट अपलोड करते रहता हूं एडिटिंग से रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों मैं चुका अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। तो सबसे पहले VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड VN एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो हमारी वीडियो जिसको हम एडिट करने वाले हैं उसको यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ कि बिल्कुल है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो लास्ट का ब्लैक वाला पार्ट है उसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से टैप टू ऐड स्टिकर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है एंड वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड ये बर्ड वाला जो वीडियो है उसको यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, जिसकी डाउनलोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी बर्ड वाली वीडियो की लेयर आ चुकी है एंड आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से इस नीचे स्क्रॉल करना है एंड नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फिल वाला, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, जिससे क्या होगा कि जो हमारी वीडियो है वो पूरे स्क्रीन के ऊपर अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से स्क्रॉल करना है एंड यहाँ से मास्क ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद ये फिर लीनियर वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर डबल टैप करना है। ठीक है, डबल टैप करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको जो नीचे वाला एरो है इसको आपको कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है, एंड उसके बाद जो सेंटर में आपको इसको पकड़ के कहीं भी वीडियो में आपको रखना है, जितना भी इसका आपके वीडियो के अंदर हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं राइट पर क्लिक कर लेता हूँ, तो हमारा जो बर्ड वाला PNG है यहाँ से वीडियो है वो ऐड हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारी मॉडल जो है उसके ऊपर ये आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी मेन वाली वीडियो है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है एंड क्लिक करने के बाद आपको डबल एक बार और क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना, तो हमारी वीडियो के यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट हो चुकी है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इस लेयर के ऊपर फिर से क्लिक कर लेना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है एंड लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉरवर्ड का, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जो हमारी वीडियो है वो एक लेयर की तरह ही क्रिएट हो चुकी है, ये रही यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के लेफ्ट साइड की तरफ आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ से एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारी एक लेयर क्रिएट हो चुकी है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सेम इसको भी यहाँ पर आपको फिल कर लेना है हमारी पूरी स्क्रीन के ऊपर। एंड अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लास्ट का जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको फिर से एक बार डिलीट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की हमारी वीडियो आ चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, जो हमारा ये वीडियो लेयर हमने अभी क्रिएट किया उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से नीचे आपको क्रोमा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको जो स्पील है उसको सबसे माइनस कर लेना है 0 एंड उसके बाद जो कर्सर है इसको आपको अपने स्काई के ऊपर इधर उधर करना है, जहाँ पे भी जितना भी स्काई आपको रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं अगर आप इधर उधर कहीं भी लेके जाते हैं तो हमारा कैसा बर्ड्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है, तो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है स्काई के ऊपर, जिससे हमारा जो स्काई है मेन वीडियो का वो रिमूव हो जाए एंड बर्ड वाला स्काई को दिखने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड उसके बाद आपको स्पील के जो यहाँ पर इंटेंसिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसको आपको कम या ज़्यादा करके देख लेना है, ताकि जो हमारा मॉडल है वो अच्छे से विजिबल हो। तो यहाँ से मैं 40% तक रख लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से मैं डन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। बिजली कड़कते हैं वो वाला आपको ऐड करना है, तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर ऐड फोटो के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड स्टिकर के ऊपर एंड आपको फिर से वीडियो ऑफ फोटो के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड सेम वही प्रोसेस आपको फिर से रिपीट कर लेना। तो इस बार ये वाली मैं थंडर वाली वीडियो क्लिप दे रहा हूँ एंड उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से ऐड करने के बाद आपको फिल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, तो हमारी पूरी वीडियो स्क्रीन पर आ चुकी है एंड उसके बाद आपको इसको लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल कर लेना है एंड जो लास्ट लेफ्ट वाला पार्ट है उसको सिर्फ आपको वीडियो में ऐसे इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, तो लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से
स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है, ये रहा ब्लेंडिंग का ऑप्शन। एंड ब्लेंडिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सॉफ्ट लाइट। तो सॉफ्ट लाइट वाला फिल्टर आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है एंड यहाँ से राइट पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैंने राइट पर क्लिक किया तो हमारा जो पूरा वीडियो है बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं आपको उसको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी वीडियोस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेयर्स हमने ऐड की है वो पूरी नहीं है बल्कि थोड़ी है। तो उसको आपको यहाँ से डुप्लीकेट करके लगा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जो थंडर वाला है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट किया हमने। तो हमारे पास यहाँ पर दो लेयर आ चुकी, तो इसको आपको एक बार क्लिक कर लेना है एंड स्क्रॉल करके आपको राइट की तरफ लेके जाना है एंड जो हमारी थंडर वाली वीडियो है उसके जस्ट आगे लगा लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पूरी वीडियो की जितनी लेंथ है उतनी इसकी भी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पर जो बर्ड्स वाला है उसके साथ भी कर लेना है, यहाँ से डुप्लीकेट करना है एंड इसको पकड़ के आपको कुछ इस तरीके से राइट साइड में स्क्रॉल कर लेना है जिससे ये हमारी पूरी वीडियो में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी वीडियोस को आगे देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।